बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाऊंगी पोटैटो कबाब रोल। लो, सबसे पहले हाफ के जी हमने बॉयल आलू लिए हैं, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसमें 1 कप बॉयल चिकन डालेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम फिंगर कबाब बनाएंगे। अब हमने इस तरह सारे कबाब बना लिए हैं। अब एक अंडा फेंट लेंगे और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। अब सारे कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं, अब इसको साइड में रखेंगे। इसमें हमने 3 कप सफ़ेद आटा लिया है, 1 कप इसमें मैदा डालेंगे, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको नीम गर्म पानी से हम गूंद लेंगे। आटे को अच्छी तरह से हमने गूंद लिया है। अब इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको 30 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। तीस मिनट के बाद हम फिर आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे, ये प्लेन हो जाएगा। और फिर से इसको 5 मिनट के लिए हम कवर करके रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम रोटियां पकाएंगे। रोटी के ऊपर हम हल्का सा ऑयल भी लगाएंगे। रोटी पक चुकी है, इसको उतार लेंगे। ये हमने सैलेड तैयार किया है, इसमें प्याज, खीरा और बंद गोभी मिक्स करके रखा है। अब रोटी में केचप लगाएंगे, इसके ऊपर कबाब रखेंगे, सैलेड डालेंगे और रोटी को हम रोल कर लेंगे। अब इसको हम 2 पीस कर लेंगे। आज के हमारे पोटैटो कबाब रोल तैयार है। आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।